Good morning student, this is Pinky Banerjee. Today we will discuss about filter. Filter एक बहुत important topic है, हमें इसके बारे में detail से पढ़ाई करनी होगी. तो चलो फिर start करते हैं. Filter start करने से पहले हमें decibel और nipper के बीच में जो relationship है वो जानना होगा. Attenuation of a wave filter can be expressed in decibels or nipper. ये बात मैंने पहले भी attenuation के जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि अटेन्यूएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या डेसिबल या निपर जो है यूनिट यूज करते हैं. निपर क्या है? निपर इज डिफाइंड एज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज और करंट टू द आउटपुट वोल्टेज और करंट प्रोवाइडेड दैट द नेटवर्क इज प्रॉपरली टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस. इसका मतलब ये हो गया कि नेपर जो है वो क्या बोल रहा है कि इट इज डिफाइंड एज नेचुरल लॉगरिथम. ये रहा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ व्हाट? ऑफ इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट करंट. आउटपुट वोल्टेज और इट मे बी इनपुट करंट टू आउटपुट करंट. तो ये है नेपर. लेकिन इसे कंडीशन ये है कि तभी ये वैलिड होगा जब नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली टर्मिनेटेड होगा. प्रॉपरली टर्मिनेटेड होने का मतलब हो रहा है कि मेरा जो नेटवर्क होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट होगा. ओके, सो दिस इज टू पोर्ट नेटवर्क. I1 एंड I2 आर द टू करंट्स, टू पोर्ट करंट्स, एंड V1 एंड V2 आर द इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट वोल्टेज. ओके, निपर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर. ओके, सो निपर इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग V1 बाई P2 टू द बेस E. नाउ अब हमें देखना है कि डेसिबल एंड निपर में क्या रिलेशनशिप है. तो डेसिबल जो है वो उसे कहा जाता है कि डेसिबल इज डिफाइंड एज 10 टाइम्स द कॉमन लॉगरिथम ऑफ रेशियो ऑफ इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर. ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट डेसिबल डी इक्वल टू 10 लॉग P1 बाई P2 टू द बेस 10. ये डेसिबल एक्सप्रेस ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल को. तो डेसिबल को अगर हम P1 एंड P2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसे हम लोग जो है V1 बाई V2 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क जो है वो क्या है प्रॉपरली टर्मिनेटेड है. दैट मीन्स इनपुट में जो रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस है वो Z0 है, आउटपुट में भी जो रेजिस्टेंस टर्मिनेट किया गया वो Z0 है. इसका मतलब है P1 को हम लोग जो है I2 और Z0 और ये और P2 को जो है वो I2 Z0 लिख सकते हैं. दैट मीन्स दैट विल बी स्क्वायर ऑफ. स्क्वायर होने का मतलब हो रहा है कि जो है जो पावर है हम जानते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाता है लॉग में सामने आकर के. तो दैट मीन्स डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 से क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 लॉग V1 बाई V2 टू द बेस 10. अगर उसको वोल्टेज में एक्सप्रेस करें दैट इज V2 R, हम जानते हैं पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो दोनों में ही जो है क्योंकि R कॉमन है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस दोनों में सेम है तो वो कट जाएगा. तो मेरा जो है वो आउटपुट क्या आ जाएगा 20 लॉग V1 बाई V2 टू द बेस 10 और 20 लॉग I1 बाई I2 टू द बेस 10. तो ये हमारा डीबी को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ V1 बाई V2 और इन टर्म्स ऑफ I1 बाई I2. अब हम जानते हैं कि V1 बाई V2 या I1 बाई I2 को हम लोग निपर कहते हैं. हमने पहले ही हमने ये पढ़ा है. तो D इक्वल टू लॉग इसके मतलब 20 लॉग N टू द बेस 10 हो गया. अब इस बेस 10 को हम लोग क्या करेंगे नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे. तो हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स टू द बेस ई को हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस 10 इंटू लॉग 10 टू द बेस ई लिख सकते हैं. तो उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है. 20 log n to the base e into log e to the base 10. ओके, तो ये 10 ये जो log e to the base 10 है इसका वैल्यू कितना होता है 0.434 होता है और ये जैसे का तैसे रह गया. तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट आ गया 8.686 log n to the base e. तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हो गया कि एटीन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 8.686 इंटू एटीन्यूएशन इन निपर. और इसको अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? निपर आ जाएगा. और किसके टर्म में इसको एक्सप्रेस हो जाएगा? डी के टर्म में. तो हो जाएगा एटेन्यूएशन इन निपर इक्वल टू 0.1151 इनटू एटेन्यूएशन इन डीबी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस. एग्जाम में जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि एटेन्यूएशन इन डीबी एंड एटेन्यूएशन इन निपर में जो है वो क्या रिलेशनशिप है. तो ये हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. नाउ वी विल प्रोसीड टू फिल्टर में हम देखेंगे कि हमारे पास चार तरह के फिल्टर होंगे. लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर. तो ये फिल्टर क्या करता है?
फिल्टर का मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि कुछ चीजों को पास करने देगा, कुछ चीजों को जो है वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो यहाँ वो चीज क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को लेकर हम डील करते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पास और स्टॉप करने के कंडीशन में हम लोग फिल्टर के डिफरेंट नाम जो है वो दिए हुए हैं। तो देखते हैं लो पास फिल्टर किसे कहा जाता है। बाई डेफिनेशन ए लो पास फिल्टर इज वन विच पासिस विदाउट एटेन्यूएशन ऑल द फ्रीक्वेंसीज अप टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी। इसका मतलब हो रहा है कि लो पास फिल्टर क्या करता है, सारे जो फ्रीक्वेंसीज है सबको पास करने देता है विदाउट एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन होना मतलब होता है घटा देना, स्टॉप कर देना, रिड्यूस कर देना। तो वो सारे जो फ्रीक्वेंसीज है उसको वो विदाउट एटेन्यूएशन मतलब कोई भी उसको बाधा नहीं देगा, सबको पास करने देगा। अप टू कहाँ तक, एक निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी जिसका नाम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी तक, और एंड एटेन्यूएट्स ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन एफ सी। जो एफ सी से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम लोग वो क्या करेगा, एटेन्यूएट कर देगा, और एफ सी जो कम फ्रीक्वेंसी होगा उसको पास करने देगा। ओके, तो सीधा फिगर हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक्स एक्सिस में जो है एक्सप्रेस करते हैं, और एटेन्यूएशन को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वाई एक्सिस में एक्सप्रेस करते हैं। तो लोग देख रहे हैं जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये सारे फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है, मतलब एफ सी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इस एफ सी फ्रीक्वेंसी के आगे जीरो से लेके एफ सी तक जितने फ्रीक्वेंसीज हैं सभी को जो है ये फिल्टर पास कर रहा है, और एफ सी जैसे एफ सी हो जा रहा है एफ सी के पास जितने फ्रीक्वेंसीज हैं अप टू इन्फिनिटी जितने फ्रीक्वेंसीज है सबको जो है वो एटेन्यूएशन हो जा रहा है, मतलब स्टॉप हो जा रहा है। तो इसे पास बैंड कहते हैं, इसको एटेन्यूएशन बैंड या स्टॉप बैंड कहते हैं। तो ये लो पास फिल्टर के का जो है ये हमारा जो है वो फिगर हो गया कि लो पास फिल्टर को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी के अनुसार और जो है एटेन्यूएशन के अनुसार करते हैं कि लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसीज को पास करने देता है और हाई फ्रीक्वेंसीज को एटेन्यूएट करने देता है। तो इसका तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ सी है। तो दिस ट्रांसमिट करेंट्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम जीरो अप टू द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, द बैंड इज कॉल्ड पास बैंड और ट्रांसमिशन बैंड। Thus, the pass band for the low pass filter is the frequency range 0 to fc. Okay, the frequency range over which the transmission does not take place. ये वाला रेंज है वो जहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, स्टॉप बैंड या एटेन्यूएशन बैंड। The stop band of for a low pass filter is the frequency above fc. ये हमारा लो पास फिल्टर हो गया। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ लो पास फिल्टर हो गया कि हम इसे जान पाए कि लो पास फिल्टर किसे कहते हैं और इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी डायग्राम कैसा हो रहा है, वो किस फ्रीक्वेंसी को पास करने दे रहा है और किस फ्रीक्वेंसी को जो है वो स्टॉप कर रहा है। आगे हम लोग जो है वो फिल्टर डिजाइन करेंगे लेकिन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाई पास फिल्टर। नाम से पता चल रहा है हाई पास मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो कौन से वो हाई फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, तो ए हाई पास फिल्टर एटेन्यूएट्स ऑल द फ्रीक्वेंसीज बिलो ए डिजाइन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी। जो एफ सी फ्रीक्वेंसी जो है जिसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं उसके आगे के जितने फ्रीक्वेंसीज होंगे उस सबको जो है वो एटेन्यूएट कर देगा मतलब स्टॉप कर देगा, और एफ सी से जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होंगे उसको वो क्या करेगा, पास करेगा। जस्ट ऑपोजिट ऑफ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर में क्या था, जीरो से एफ सी के बीच में जितने फ्रीक्वेंसीज थे सबको पास कर रहा था, और एफ सी से जो है जितने फ्रीक्वेंसीज अप टू इन्फिनिटी थे सबको वो स्टॉप कर रहा था। ठीक, इसका उल्टा यहाँ हो रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, द पास बैंड ऑफ दिस फिल्टर इज द फ्रीक्वेंसी रेंज अबव एफसी एंड स्टॉप बैंड इज द फ्रीक्वेंसी रेंज बिलो एफसी। द एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो पास ऑफ हाई पास फिल्टर इज शोन हियर। तो यहाँ पर भी हमने जो है क्या क्या फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस में प्लॉट किया और एटेन्यूएशन को जो है वाई एक्सिस में प्लॉट किया, और ये हमारा दो बैंड मिल गया, पास बैंड एंड स्टॉप बैंड। तो स्टॉप बैंड जीरो से एफ सी तक है और एफ सी के बाद जो है वो पास बैंड है। ये एक हाई पास फिल्टर, इस तरह के जो जो डिवाइस होंगे वो हाई पास फिल्टर जैसा काम करेंगे। ओके, नाउ कम्स टू बैंड पास फिल्टर। इस बैंड से पता चल रहा है कि एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा। तो ए बैंड पास फिल्टर पासेस फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एटेन्यूएट्स ऑल अदर फ्रीक्वेंसी। मतलब हो रहा है कि ये अगर मेरे दो फ्रीक्वेंसी है, एक एफ वन है एक एफ टू है, एफ वन को जो है कहा जाता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एफ टू कहा जाता है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो सिग्नल जो है वो एफ टू से जो है बड़ा होगा उसको वो पास नहीं करने देगा, और जो एफ वन से छोटा होगा उसको भी पास नहीं करने देगा। तो पास बैंड जो है वो कितना सा रह जाएगा, एक बैंड रह जाएगा जो कि एफ टू से एफ वन तक है। ओके, सो
So the passband is from F2 to F1. That is, F2 minus F1 is the passband, and below F1 there will be stop band, and above F2 it will be the stop band. So ये हमारा बैंड पास फिल्टर कहला रहा है, क्योंकि ये एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करने देता है, ना लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करने दे रहा है ना हायर फ्रीक्वेंसी, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करने दे रहा है, एक फ्रीक्वेंसी के निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को ही पास करने दे रहा है, इसलिए इसका नाम है बैंड पास फिल्टर। नाउ कम्स बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। इसको बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी कहा जाता है या बैंड स्टॉप फिल्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब है एक निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी रेंज के रेंज को वो ये बैंड एलिमिनेशन फिल्टर क्या करेगा, स्टॉप कर देगा और बाकी सबको पास करने देगा। इसका नाम ही है बैंड स्टॉप फिल्टर। ए बैंड एलिमिनेशन फिल्टर पासेस ऑल फ्रीक्वेंसी लाइंग आउटसाइड अ सर्टेन रेंज, जो कि एक सर्टेन रेंज, जैसे F2 से F1 के बीच में जितने फ्रीक्वेंसीज हैं सबको जो है वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, और जो F1 के आगे के फ्रीक्वेंसीज है उसको पास करने देगा, F2 के जो बाद के फ्रीक्वेंसीज उसको पास करने देगा। जस्ट ऑपोजिट ऑफ बैंड पास फिल्टर। ओके, तो इट अटेन्यूएट्स ऑल द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ स्टॉप बैंड फिल्टर। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑल द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन F1 एंड F2 विल बी अटेन्यूएटेड, एंड व्हाइल द फ्रीक्वेंसीज बिलो F1 एंड F2 विल बी पास्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा बैंड एलिमिनेशन फिल्टर। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया फिल्टर का। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फॉर द डीप एनालिसिस ऑफ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। ओके, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।